तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपने अपना डोंगल बनवाया हुआ है जिसको हम डिजिटल साइन के भी नाम से जानते हैं, तो उसको कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे उसको आप अपने सिस्टम पे सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों अब आप अपना डोंगल अपने लैपटॉप में सेट कर दीजिए। चलिए मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑटो प्ले का ऑप्शन आ गया है, सीडी ड्राइव ई वाले में। चलिए अब इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है मैं बता देता हूँ। चलिए इसको इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल और रन प्रोग्राम फ्रॉम योर मीडिया, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इस डिवाइस को इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने पीसी के ड्राइव में यहाँ पे ओपन करेंगे। ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ पे देखिए सी ड्राइव ई करके हमारा ये फाइल आ गया है, ES 2013, और ये हमारा नंबर है यहाँ पे ये आ गया है। और अब इसको चलिए हम मिनिमाइज कर लेते हैं। उसके बाद ये कहाँ पे है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे में एक एरो है, शो हिडन आइकन, इसी पे आपको सिंपली क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे अगर अगर आप कर्जर रखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है ई पास 2013 सर्टिफिकेट रजिस्टर इज रेडी, तो इसी पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जिस कंपनी से हमारा बना हुआ है का नाम आ गया, सर्टिफिकेट आ गया, ऑर्गेनाइजेशन नेम आ गया और इशू सीजन आ गया, एक्सपायरी डेट यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। और यहाँ पे नीचे देखेंगे यहाँ पे फील्ड दे दिया गया, टोकन नंबर हमारा दे दिया गया, मैन्युफैक्चरर दे दिया गया है, कंपनी का नाम, उसके बाद मॉडल नंबर हमारा दे दिया गया है, सीरीज नंबर ये है, टोटल मेमोरी कार्ड, फ्री मेमोरी कार्ड जितना भी है यहाँ पे देख सकते हैं। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे फ्री मेमोरी कार्ड मैक्सिमम पिन लेंथ 255, मिनिमम पिन लेंथ है, और उसके बाद हार्डवेयर वर्जन है, फर्मवेयर वर्जन है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे करेंगे यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको लॉगिन कैसे करना है उसको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन है, इसी पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूजर पिन मांग रहा है। यूजर पिन वो होता है जहां से आपने अपना डोंगल या डिजिटल साइन बनवाया था वही आपको पासवर्ड देगा, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। तो चलिए मैं मेरे पास पासवर्ड है, उस पासवर्ड को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। पासवर्ड को डालने के बाद यहाँ पे ओके का ऑप्शन है, इसी पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए नाम के साथ साथ सब कुछ आ गया। देखिए जैसे हमारा नाम है आईडी साइन, और यहाँ पे दे दिया गया पब्लिक की प्राइवेट की सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डोंगल को अपने सिस्टम पे या अपने पीसी पे इंस्टॉल करके उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।